नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ा लुटेरा जिसका नाम वास्को डिगामा था, हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि वास्को डिगामा एक महान इंसान था। उसने 1498 में भारत का खोज किया था और समुद्री रास्ता का खोज किया था और भारत उसे पूरे दुनिया में तरक्की किया और भारत का नाम पूरे दुनिया जाना। दोस्तों, यह एक मूर्खता ही होगा जो हम लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि हमारा भारत का इतिहास दोस्तों आज से लगभग 5000 साल पुराना है। जब महाभारत काल, रामायण काल आप लोग देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि भारत का परंपरा कितना पुराना है। यहाँ तक कि दोस्तों आर्यभट्ट जितने जीरो का खोज किया था उसका भी इतिहास कम से कम आज से 2000 साल पहले पुराना होगा। लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि सचमुच में भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया था और पुर्तगाल से होते हुए वास्को डिगामा भारत का खोज किया था। जबकि सच्चाई यह है कि वास्को डिगामा केवल भारत को लूटने के लिए आया था। दोस्तों, उस समय दुनिया में दो देश बहुत ही खराब कह सकते हैं आपस में लड़ने वाला था और दोनों ही लुटेरों का देश था, खासतौर पर पुर्तगाल हो गया और स्पेन हो गया। दोस्तों, दोनों देश में एक से बढ़कर एक लुटेरा था। पुर्तगाल से वास्को डिगामा निकला भारत के लिए लूटने के लिए और स्पेन से निकला कोलंबस। दोस्तों, कोलंबस अमेरिका गया और कोलंबस ने अमेरिका को लूटा और वहाँ का जो माया सभ्यता, जो वहाँ पे परंपरा था, माया सभ्यता का जो वहाँ पे इंसान था जिसे आज रेड इंडियन कहते हैं, दोस्तों कोलंबस ने सबको मारा और जबरदस्त तरीका से अमेरिका को लूटा था। 1492 में कोलंबस अमेरिका गया था और 1498 में वास्को डिगामा भारत आया और पूरे दुनिया को बताया कि आखिर भारत तो सोने का चिड़िया है। और इसी कालखंड में लगातार 3 बार वास्को डिगामा भारत को लूट लूट के सोना चांदी ले गया पुर्तगाल। और दोस्तों, पुर्तगाल सरकार ने उस समय 1510 में गोवा को कब्जा कर लिया और गोवा के साथ साथ दमन और दीप जो भारत का हिस्सा है उसे भी कब्जा कर लिया। और दोस्तों, वहाँ पे पुर्तगालियों का शासन चला, कम से कम 500 साल भारत में चला। जब भारत से अंग्रेज चला गया उसके बावजूद भी गोवा पे आक्रमण पुर्तगालियों ने किया हुआ था और बड़े शान से बोलता था कि गोवा मेरा है, हम भारत को कभी नहीं देंगे। अब दोस्तों, आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर हम पुर्तगाल और गोवा के बारे में क्यों बता रहे हैं, वास्को डिगामा के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल 14 फरवरी 2020 को पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे और 2007 के बाद दोस्तों लगभग 13 साल भारत के दौरे पर आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 14 समझौते हुआ है दोस्तों, पूरे दुनिया को चौंका दिया है भारत और पुर्तगाल ने। जो देश पहले आपस में लड़ता था, पुर्तगाल और भारत का दोस्तों बहुत ही खराब है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि आखिर इतना खराब क्यों बना। लेकिन वही दोनों देश दोस्तों आज मिलके पूरे दुनिया के सामने में एक मिसाइल काम किया है और बताया है कि दो दुश्मन देश चाहे तो दोस्त बन सकता है और पूरे दुनिया को चौंका सकता है। और दोस्तों, भारत के लिए कह सकते हैं आप 2020 बहुत ही बढ़िया साल है, बहुत ही बेहतर साल है, क्योंकि 2020 में भारत और पुर्तगाल ने एक नया इतिहास रचा है। अब दोस्तों, हम बताएंगे कि आखिर दोनों ने क्या किया है, पुर्तगाल और भारत ने। इनसे पहले जानिए कि आखिर भारत और पुर्तगाल का रिश्ता खराब कैसे हुआ। दोस्तों, आप तो जानते हैं 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय नेहरू जी 1948 में पुर्तगाल को एक चिट्ठी लिखा और बताया कि देखिए अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए, अब आप लोग जाइए गोवा से। लेकिन उस समय पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल सरकार ने नेहरू जी को समझाया कि हम गोवा कभी नहीं छोड़ेंगे, अगर हम गोवा छोड़ देंगे तो गोवा में बहुत सारे क्रिश्चियन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उस पर बहुत सारा जुल्म ढा सकता है और उस पर अत्याचार हो जाएगा, इसीलिए हम कभी भी गोवा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, नेहरू जी को गुस्सा आया और उसने 1953 में यूएन चला गया। यूएन में जाके खासतौर पे गोवा के बारे में बोला कि ये मेरा हिस्सा है और पुर्तगालियों ने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है, 500 साल से वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। और दोस्तों, उस समय यूएन में कुछ नहीं हुआ, केवल नेहरू जी बोलते रह गए और पूरी दुनिया देखता रह गया। उसके बाद नेहरू जी को गुस्सा आया और जैसे ही नेहरू जी 1953 में यूएन से भारत आया, उस समय भारत के आम नागरिक, आम जनता, बड़े बड़े नेता नेहरू जी पे दबाव बनाना शुरू किया और बोला कि आखिर आपके पास इतना आर्मी है तो आप क्यों नहीं गोवा के छीनते हैं। और दोस्तों, नेहरू जी के दिमाग में ये बात बैठ गया। उसने 1955 में घोषणा किया कि पूरे दुनिया के सामने मैं डिक्लेयर कर दिया कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है और भारत में उसे मिलाया जाएगा। और दोस्तों, उसी समय भारत और जो पुर्तगाल का रिश्ता है बहुत ही खराब हो गया। और यही हुआ, 1961 में जाके भारत सरकार ने अपना आर्मी भेज के गोवा को पूरी तरह से मिला दिया। दरअसल बात यह दोस्तों, गोवा का जनता भी चाहता था कि हम भारत में मिले और गोवा के जनता पे जो पुर्तगाल की सरकार है, पुर्तगाल के फोर्स है, वो बहुत ही जुल्म ढा रहा था। और गोवा में जगह जगह जो हिंदू है दोस्तों, वहाँ पे एक ग्रुप बना लिया था, संगठन बना लिया था, आज़ाद गोवा दोस्तों। और उस समय सब ने भारत का पूरा समर्थन किया और इसीलिए भारतीय फौज वहाँ घुसा और गोवा को केवल 36 घंटा में भारत में मिला दिया। और उस समय पूरे दुनिया में तहलका मचा, खासतौर पर पूरा यूरोप,
पुर्तगाल का साथ दिया, यहाँ तक कि ब्राजील भी पुर्तगाल का साथ दिया और सब जाके यूएन में गया। यूएन में जाके भारत को सबने घेरना चाहा, सबने बोला कि भारत ने ये क्या कर दिया है, गोवा को जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और गोवा तो पुर्तगाल का हिस्सा है। दोस्तों दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े देश है, खासतौर पर ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, खासतौर पर दोस्तों यहाँ तक कि गोवा हो गया, ब्राजील हो गया, सब भारत को घेरना चाह रहा था, भारत पे बड़े बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों उस समय भारत का जो सच्चा मित्र रूस है उसने बचा लिया, उसने यूएन में जाके वीटो पावर लगा दिया और भारत के समर्थन में वोटिंग कर दिया और दोस्तों उस समय भारत को कुछ नहीं हुआ था और भारत को सोवियत संघ ने बचाया था। दोस्तों उस समय भारत और रूस का रिश्ता और ही बेहद अच्छा बन चुका था। इसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, आप लोग जानते हैं 1961 के बाद भारत और पुर्तगाल का रिश्ता बहुत ही खराब हो गया और दोस्तों यह निरंतर चलता रहा। 1974 तक दोनों देश एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा, हर जगह दोनों देश एक दूसरे को घेरता रहा और यही सिलसिला दोस्तों 1974 में ख़त्म हुआ। 1974 में जब पुर्तगाल में नया सरकार बना, उस समय पुर्तगाल सरकार को पता चला कि सचमुच में गोवा भारत का अभिन्न अंग था और दोस्तों उसने एक्सेप्ट किया कि सचमुच में गोवा भारत का अंग है और दोस्तों पुर्तगाल के जो नया सरकार है वो भारत से अपना रिश्ता बढ़ाने का प्रयास किया और उसके लिए कई सारे बड़े बड़े समझौते किए और दोस्तों तभी से लेके 2007 तक दोनों देश अपना रिश्ता बनाने के लिए कई सारे बड़े बड़े अहम समझौते किए और यही रिश्ता 2020 में जाके दोस्तों बहुत ही अच्छा रिश्ता बन चुका है और इसीलिए 14 फरवरी 2020 को भारत और पुर्तगाल के बीच में 14 महत्वपूर्ण और अहम समझौते हुए हैं जिसे देखकर पूरे दुनिया चौंक गया है और भारत और पुर्तगाल का जो रिश्ता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया बन चुका है। और इसी सब को लेके भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी बहुत बड़ा बयान दिया और उसने कहा कि भारत और पुर्तगाल का रिश्ता आज से नहीं पिछले 500 साल से है और इस रिश्ता को हम लोग और मजबूत बनाएंगे और इसीलिए पुर्तगाल के राष्ट्रपति को दोस्तों भव्य स्वागत किया गया था और रामनाथ कोविंद जी बोले कि आज से हमारा रिश्ता अमर हो गया। दोस्तों इनसे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 में पुर्तगाल के दौरे पर गए थे और उस समय भी पुर्तगाल और भारत के बीच में कई बड़े बड़े अहम समझौते हुए थे जिसे जानकर पूरी दुनिया चौंक गया था और उसके जवाब में 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ गए हैं। अब हम बताते हैं कि आखिर 14 समझौता क्या हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जानिए दोनों देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े समझौते किए हैं, इन सब के अलावा तकनीक बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े समझौते किए हैं, दोनों देश अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत बड़े बड़े समझौते किए हैं, इन सब के साथ ही रक्षा क्षेत्र दोस्तों हर देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है रक्षा क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र में भारत और पुर्तगाल ने बहुत बड़ा समझौता किया है जो कि ऐतिहासिक है। इन सब के अलावा दोनों देश अपने देश में जो कला एंड संस्कृति है उसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे अहम समझौते किए हुए हैं। इन सब के अलावा शिक्षा क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का मदद करने का वादा किया है और दोनों देश मिलकर अब काम करने के लिए तैयार है। इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह हुआ कि पाकिस्तान को भी अब पुर्तगाल ने आंख दिखा दिया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने सीधा तौर पर भारत आके बोला कि हम और भारत मिलकर पूरे दुनिया से आतंकवादी को मिटाएंगे। दोस्तों उसने कहा कि पूरे दुनिया के लिए आतंकवाद एक खतरा बन चुका है और मानवता के लिए खतरा बन चुका है और भारत और पुर्तगाल मिलकर पूरे दुनिया से आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए कई सारे बड़े बड़े अहम समझौते किए हैं और बड़े बड़े फैसले लेंगे जिससे पूरे दुनिया में जो आतंकवादी है उसका जीना हराम हो सके। और दोस्तों पुर्तगाल ये सबसे बड़ा समझौता किया है जो कि पाकिस्तान के लिए दोस्तों गाल पे एक तमाचा मारा है। पाकिस्तान को लग रहा था कि पुर्तगाल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पुर्तगाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और पुर्तगाल का नीति एक है, चाहे जो हो जाए लेकिन दोनों देश आतंकवादी को मिलकर लड़ेगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर पुर्तगाल एक छोटा सा देश, उसका ना तो क्षेत्रफल बड़ा है और ना ही जनसंख्या बड़ा है, तो फिर भारत को किस तरह से मदद कर सकता है? भारत के सामने तो कुछ नहीं है ना, तो उसका बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, तो फिर भारत को क्या मदद करेगा? दोस्तों पुर्तगाल बेशक छोटा देश है लेकिन पुर्तगाल दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े कई सारे जो ग्रुप है, कई सारे संगठन हैं, दुनिया के बड़े बड़े संगठन में जुड़ा हुआ है। अगर भारत और पुर्तगाल का रिश्ता बेहतर होता है तो एक तरह से समझिए दोस्तों भारत का पक्ष मजबूत होगा यूएन में। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में वैसे भी भारत के पक्ष में दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश हैं और भारत चाहता है कि जितना भी छोटा मोटा देश हो सब भारत के साथ हो ताकि आने वाले समय में
कभी भी भारत को अगर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कोई समर्थन मांगना पड़े तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश भारत का समर्थन दे, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, दोस्तों मतलब नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह होता है कि समर्थन पाना, और इसीलिए भारत चाहता है कि सारे देश के साथ मिल के चले, ताकि आने वाले समय में कुछ भी ऐसा होता है तो भारत का पक्ष मजबूत हो सके। और दोस्तों इसीलिए भारत सरकार आज पुर्तगाल से बड़े बड़े समझौते किए हैं और पुर्तगाल को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया है।